कोरोना के बीच आ रहे दिवाली फेस्टिवल को मनाने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने पटाखों के विक्रय और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। कोविड मरीजों और हृदय और श्वास रोगियों को देखते हुए सीएम गहलोत ने यह फैसला लिया है। गहलोत ने कहा कि पटाखों से निकलने वाले विषैले धुएं से कोरोना संक्रमित रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गहलोत ने वाहन चालकों से भी अपील की है कि वो लाल बत्ती होने पर वाहनों के इंजन को बंद कर दें। गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति, नो मास्क नो एंट्री और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बैठक में अनलॉक 6 की गाइडलाइंस पर भी चर्चा की और दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने बताया कि प्रदेश में स्कूल कॉलेज सहित शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर्स 16 नवंबर तक नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क पूर्व के आदेश के अनुरूप 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। विवाह समारोह में अतिथियों की अधिकतम सीमा 100 रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की सीमा पूर्ववत लागू रहेगी। साथ ही खुले स्थानों पर जिला कलेक्टर की अनुमति से होने वाले सामाजिक और राजनीतिक समारोह में 2 गज की दूरी बनाए रखकर अधिकतम 250 लोगों को ही अनुमति दी जा सकेगी। प्रदेश भर में पटाखों की बिक्री आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। कोरोना के संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला लिया है। कहा है कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि। बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शादियों में भी आतिशबाजी पर रोक रहेगी। कोविड मरीजों को दिक्कत हो सकती है। सीएम ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि लाल बत्ती पर गाड़ियों को बंद कर दिया करें। गाड़ी के जो इंजन होते हैं उन्हें स्विच ऑफ कर दिया करें लाल बत्ती होने पर, ताकि प्रदूषण में कमी आ सके। बाजी पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोक लगा दी है। कोरोना के संक्रमण के चलते सीएम अशोक गहलोत ने यह फैसला लिया है।